हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और आप, आई होप आपको पिछला व्लॉग पसंद आया होगा। आज वेडनेसडे है और मैं आनू के स्कूल के बाहर खड़ा हूँ। आनू को बस लेने आया हूँ, लेने के बाद मैं उसको लेके जाऊँगा रूही के पास उससे मिलवाने। और नाश्ता भी लाया हूँ उन लोगों का हॉस्पिटल में देने के लिए, बस वो लोग वेट कर रहे होंगे, लेकिन आनू का मैं वेट कर रहा हूँ। आनू आ जाए फिर उनको लेके जाता हूँ। आजकल ट्रैफिक और लोगों में कॉमन सेंस एकदम ख़त्म हो गया है। लोग फूल जलूल गाड़ी चलाते हैं बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट लगाए। मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है, आप लोग सेफ चला करें, सेफली चीज़ें किया करें, क्योंकि ट्रैफिक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये आप ही के लिए किसी दिन नुकसानदेह हो सकता है या आपके किसी परिवार वाले के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो फ्यूचर को देखते हुए आप लोग सेफली ड्राइव किया करिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कहता हूँ ट्रैफिक वाली। अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि एक बाइक वाला बीच डिवाइडर से जंप करा रहा था अपनी बाइक, और उधर सामने से बस आ रही थी, उसको बस नहीं दिखी और बस वाले ने ब्रेक भी लगाया, लेकिन उन साहब से थोड़ा भिड़ गए, वो साहब गिर गए, थोड़ी बहुत खरोचे आई उनको। लेकिन जब रोड ब्लॉक थी तो आपने डिवाइडर के ऊपर से क्यों निकाली, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, और आपने इतना रिस्क क्यों लिया अपनी लाइफ के साथ। और जब आपको पता है कि मेन हाईवे है, बस ट्रक कार सब आते जाते रहते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। दूसरा ये कि मान लीजिए उस बस वाले ने तेज़ ब्रेक लगाया, चलो पीछे तो मैं था, मैं धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन अगर कोई और तेज़ गाड़ी चला के बस से ओवरटेक करना चाह रहा हो या और बस से कोई स्पीड के साथ साथ मैच कर रहा हो और एकदम से ब्रेक लगा दे कोई, तो वो पीछे वाला भिड़ सकता था सामने। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हैं तो सिर्फ आप ही नहीं चल रहे हैं और हज़ार लोग आपके आसपास चल रहे हैं, तो आप लोगों को इस चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए। आनू कहाँ लेती हो? कितना मजा आ रहा है तुमको बेबी के उसमें लेटने में, है कि आनू? बेबी को तुम, बेबी के उसमें तो तुम लेटी हो, तो बेबी को उधर बैठा दिया है। तो गाइस, मैं हॉस्पिटल आ गया था और मुझे आनू ने एक काम दिया था कि पापा ये आज करके आना, तो मैंने वो कर दिया है। इसका ना ये पुराना वाला जो लेबल था बैग का, वो फट गया था, मतलब कैसे पता नहीं फट गया था, तो बोली थी पापा नया बना देना, तो फिर मैंने नया बना दिया, रिप्रिंट कर दिया इसको। आजकल जो बच्चे हैं ना, वो पहले से बता देते हैं कि पापा ये चीज़ होनी चाहिए, हमें ये होना चाहिए हमारे पास, तो फिर पापा लग जाते हैं उसमें, मम्मी भी लग जाती हैं। आज तो आज तक घर पे है, देखते हैं वो क्या क्या करती है। आज उसके स्कूल में वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था, तो उसको एक सीड का पैकेट भी मिला है और कहा है कि आपको ये सीड घर पे लगाना है। अभी मैं आस्था को बोलता हूँ कि वो उससे वीडियो भी बना लेगी। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. Your babies want you to settle and do the right thing. So get it good. आलू मर गए ये। और ऐसे गड्ढा करो इसमें। आओ पहले इसको ना, इसमें हम लोग सीड लगा रहे हैं तो प्लांट उगेगा। हाँ देखो, पहले ऐसे 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 गड्ढा करके गड्ढा बनाओ, देखो ऐसे। Who were you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. चलो अब इसमें वो सीड डालो, डालो सीड, क्या देना? पास से बनाओ। You have a clue what could that be? दिखाओ इसमें गड्ढा कैसे बना है। अब आनू सीट डालेगी, सीट डालो आनू। अच्छे से डालो, लो फिर से डालो, यहाँ बीच में रखो, यहाँ पे ऐसे रखो और उंगली से दबाओ, उंगली से दबाओ उसको अंदर। वेरी गुड। अब इसको यहाँ रख दो, इसको रख दो, बस बस अब रख दो। अब इसको कवर करो ऐसे, मिट्टी मिट्टी से ऐसे करो, लो चम्मच से करो, चम्मच से थोड़ा दबा दो।
अब आनू रोज इसमें पानी डालना, रोज पानी डालना तो फ्लावर उगेगा। ठीक है, क्या उगेगा? जब उगेगा अभी नहीं पानी डालना है, कल से डालेंगे, आज पानी डाल दिया है। आनू के स्कूल में होमवर्क मिला था सनफ्लावर सीड को उगाना है, इसलिए हमने एक गमला लगा दिया है। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ डॉक्टर फैमिली व्लॉग्स। तो ये कल का व्लॉग था जो मैंने आज एडिट किया है, और आजकल इतना बिजी है क्योंकि घर में एक छोटा नया मेहमान आया है, उसकी भी हमने एक वीडियो बनाई है बट उसको अभी हमने पब्लिक नहीं किया है, और थोड़े दिन बाद करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, और आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के। और आप इसी तरह ब्लेसिंग्स हम पे बनाए रहें और हमें खूब सारा आशीर्वाद देते रहें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।